राधे 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 राधे। ये राधा दामोदर का मंदिर है, यहाँ फर्स्ट मिलन हुआ था राधा कृष्ण का, तो भगवान का नाम राधा दामोदर हुआ। अच्छा, किधर से आना है? इधर से। कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली से। इधर में गोवर्धन पहाड़ है, यहाँ से 21 किलोमीटर की परिक्रमा है गोवर्धन पहाड़ की। जब गोवर्धन पूजा करने के बाद में कृष्ण भगवान यहाँ लौटे ना, तो यहाँ पर विश्राम किया था, तब उनके शरीर से निकला। ये 15वें अध्याय में आता है ना गीता में, पहला श्लोक है इसमें। इसी चार परिक्रमा करते हैं, भगवान ने कहा था चार धाम का फल देते हैं ये, क्योंकि मैं ही हूँ। देखो तुम्हारी कीड़ा कहाँ से आया। और एक गुरु मंत्र बोलते हैं ना, तो घर में 1000 का फल मिलता है। महामंत्र एक, देखिए एक चला जाता है ना, एक पेड़ ये पहले निकलता है, और कृष्ण भी टेढ़े थे ना, ये भी टेढ़ा ही निकलता है, और फिर ये सीधा हो जाता है, फिर दूसरा टेढ़ा हो जाता है, ये हट जाएगा, ये पहले आ जाता है। चार हो गई ऊपर में देखो, और इनको भी दिखाओ। चार वेद का फल मिलता है जो चारों भुजाओं को देखता है पीपर की, तो चार वेद का फल मिलता है ऊपर देखने से। और ऐसा बोलना है कि हमारे घर में खाने का पीने का भंडार भरना गोवर्धन गिरधारी, और हमारी की भी ऐसे बुलाना कि हम भी ब्रजवासी और आपका यहाँ पर 56 भोग करें, हमको ऐसी सामर्थ करना हमारे घर में भंडार भरना। जय हो, जय हो बाबा। हाथ लगा लो, माथा लगा लो, पीपर से भी लगाओ। इधर आना, एक परिक्रमा करना है तुलसी का। जय हो तुलसी मैया। यहाँ पर पेड़ों का उद्धार कर दिया ना, वो तो चले गए, उद्धार हो गया, पेड़ भी चले गए और लड़के भी चले गए। नलकुबर मणिगिरी जब दीपावली के दिन शाम को इसी समय आयोजन किया नंद महाराज ने दीपावली का, तो गुरुओं को बुलाया, इष्ट मित्र सखा संबंधी सब रिश्तेदार को बुलाया, तो यहाँ गणेश जी का पूजा किया गुरुओं के द्वारा। तो ये स्वस्ति चिन्ह है, यहाँ माथा लगाते हैं ना तो बोलते हैं अपने कि हमारे यहाँ बल बुद्धि विद्या देना और नौकरी चाकरी में साथ देना। यहाँ नाक लगाते हैं, ये लक्ष्मी जी का है कि हमारे घर में लक्ष्मी जी सदा सहाय रहना और लक्ष्मी जी हमारे घर में भंडार भरना। इनका भी फोटो ले लो ऊपर में। जय हो लक्ष्मी। ये लक्ष्मी जी हैं, ये लो आ जाओ। तो उसी प्रसाद वेरी स्पेशल। जैसे आप लोग दिल्ली से आए ना, तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो 40 दिन साधना किया कार्तिक में, और कार्तिक में कृष्ण बलराम का साक्षात्कार होने के बाद में ये शिलापट उन्होंने अपने हाथ से लगाई 450 वर्ष पहले। तो ये दो पेड़ हैं देख रहे हैं ना, ये उखली है, ये रस्सी है, ये कृष्ण भगवान है। यहाँ माथा लगाते हैं ना तो बोलते हैं हमको भी कृष्ण बलराम का साक्षात्कार कराना और राधा कृष्ण की भक्ति देना। इधर जय हो, जय हो। ये खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। ये देख रहे हैं ना, पहले ये ओखल है,
इसी से भगवान को बांधा था। यशोदा जी ने पहले इतने बड़े थे, आज इतने बड़े और लेवल में हो जा रहे हैं, ये घिस रहे हैं, इसका शरीर जा रहा है। कृष्ण को भगवान यशोदा जी जो बांध रही थी, हाथ में बांध रही थी, तो भगवान ने इनका सरस्वती भेजने के बाद में तो इनको कमर से बंधन कर दिया। कमर से बांधने का देखिए, ये भगवान बंधने के बाद में, ये पेड़ों का उद्धार करने के बाद, दीपावली का पूजा करने के बाद में, ये अपने हाथ से बनाया कृष्ण ने। अच्छा, इसमें देखो क्या दिख रहा है आपको? कुछ नहीं दिख रहा है ना। अब हम दिखाएंगे, बैठ कर देखिए, ऐसे ऐसे बैठ जाएगी, ऐसे वही यहाँ, ये बात देखिए, ये दो पेड़ दिख रहे हैं। ये भगवान के हाथ के कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो भगवान के समय की भी हो, ये भगवान के हाथ की है। और ये दो भगवान के हाथ हैं, और ये भगवान का मुख है, और ये भगवान की बंसी है, और ये रस्सी है तीन, देख रहे हैं ना, और ये नाभि है, नाभि में भगवान को बंधन किया था। और दो अंगुल ओछी थी भगवान की रसोई, तो उन्होंने कहा कि मुझसे बंधना है या संसार से बंधना है, ऑप्शन तुम्हारे हाथ में, दिमाग में, दिल में। तो भगवान से बंधने वाले जीव आत्मा परमात्मा, जो भगवान के अंश होते हैं, जो भगवान से ही बंधते हैं, बाकी जो संसार से बनते हैं, संसार के अंश होते हैं वही राक्षस भी होते हैं, जो भगवान की कथा भागवत भक्ति और सत्संग कीर्तन स्नान ध्यान परिक्रमा उसको अच्छी नहीं लगते, राक्षसों को, दुष्टों को, आज भी है और राम के जमाने में, कृष्ण के जमाने में भी थे। जब पेड़ों का उद्धार हो गया ना, इनके चरण लगने से उखली को यहाँ छोड़ दिया, ये दोनों निकल गए। ये दोनों निकलने के बाद में और ये वैकुंठ को चले गए ना। तो भगवान ने ये तीन अंगुल से बंधे थे, तो भगवान मान के पेट से बांधना, कम खाना और गम खाना और उदार रहना। तो उदिये रहने से भगवान की भक्ति होती है, ज़्यादा खाने से बीमार भी पड़ते हैं, डॉक्टर वैद्य खाते हैं, भगवान का बुद्धि फेर देते हैं, भगवान की भक्ति नहीं होती है। तो ये भक्ति की जगह है। यहाँ जो 84 लाख योनियों में जो श्राप लग जाते हैं, जोगी जति सती सन्यासी ब्राह्मण लोग पहले दे देते थे, तो यहाँ आकर के उस प्राणी के छूट जाते हैं। और जिसके 101 पुण्य उदय होते हैं ना, दान पुण्य और श्रद्धा भाव जब इकट्ठे हो जाते हैं, तो यहाँ आने का अवसर भगवान देते हैं। भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता है, बिना ऑर्डर के और बिना हुक्म के नहीं होता है ना, नहीं होता। तो यहाँ भगवान के बिना भक्ति के यहाँ भक्त भी नहीं आते हैं। जब 101 से ऊपर निकल जाते हैं ना, जब आते हैं और यहाँ की कथा सुनते हैं, 7 मिनट की कथा है, तो भागवत का फल देती है। ये 10वां स्कंद है, जो 10वां स्कंद है, ये श्रीमद् भागवत का हृदय है, और यहाँ से ही हृदय परिवर्तन होता है। और आत्मा है ना, आत्मा ही परमात्मा का संबंध है, बाकी संसार का झूठा संबंध है। संसार का लिए का दिए का कर्ज का फर्ज पूरा होना है, बाकी सब खटपट हो जाती है और अलग अलग हो जाते हैं, होते हैं ना। और परमात्मा से जन्म जन्म के लिए आत्मा परमात्मा अलग नहीं होती है, कोई से जन्म में किसी भी दिशा में किसी भी राज देश में वो भगवान की भक्ति में ही रहेगा, भगवान का। आज भी इसके जल लगाते हैं ना, देखिए ऐसा करके मुख में डालते हैं ना, जीभ पे, तो बोलते हैं आत्मा की शुद्धि करना, ऐसा बोल रहे हैं, और आँख में डालना है, फिर बोलना हमारी आँख की शुद्धि करना, भगवान के दर्शन करें, और फिर ये माथे से लगाते हैं ऐसा करके, और बोलते हैं हमको आशीर्वाद ऐसी बुद्धि करना कृष्ण, जो हम तुम्हारी रास्ते पर चलते रहें, दूसरी रास्ता भटके नहीं, हमारा रास्ता और तुम्हारा रास्ता एक हो, समझ में आ रही ना। तो ये जल लेते हैं और इसकी ये परिक्रमा करते हैं, या नाक लगाते हैं, इधर में घुटने टेकते हैं और बोलते हैं हम तुम्हारे हैं, हे प्रभु हम तुम्हारी शरण में हैं, और हमको भी तुम अपनी शरण में ले दो, हमारा रक्षा सुरक्षा का दायित्व घर में और यहाँ, और भक्ति मीराबाई की सी हमको भी हो, जो हम भी राजपाट छोड़ करके कृष्ण को पाएँ, उनको भी हुई थी और हमको भी हो, ऐसा तुमको विश्वास करना है। और इसकी एक परिक्रमा करनी है, एक परिक्रमा कर लो, नमामि सुरम सच्चिदानंद रूपम, नाभि से सुर और जन्म और मृत्यु और रोग व्याधि और स्वर निकलते हैं, और नाभि से मृत्यु होती है, और नाभि में भगवान बंधे थे। इसको थैले में रख लो,